सघन जांच उसकी हो रही है, आज भी जांच उसकी चल रही है और उसके मरने का कारणों का पता लगाएंगे। उसका पोस्टमार्टम जो SOP है NTCA का, उसको फॉलो करते हुए उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा और उसके बॉडी का उसी तरह से उसको डिस्पोज किया जाएगा। और उसके जो विसरा है वह जांच के लिए फोरेंसिक लैब WII देहरादून और रायबरेली जो है IVR वहाँ भेजा जाएगा उसको। और लेकिन फिर भी हम लोग जो क्षेत्र का है उसकी गहन जाँच पूरी टीम हमारी लगी हुई है, पूरा रगिया वदना और मंगला तीनों रेंज के स्टाफ वहाँ हैं, वो पूरा हर एक चप्पे का उसके छानबीन करेंगे कि वहाँ कोई ऐसा अपने वस्तु या संदेह ऐसा कुछ मिलता है तो उसकी जांच हो जाएगी। और जबकि अभी हमारा जो कैमरा ट्रैप लगा हुआ था उसमें उस बाघिन का फोटो आया है, दुखद है बाघिन का मृत्यु, लेकिन नेचर है उसको देखते हुए सारे हर पहलू की जाँच। सर, वन विभाग के द्वारा हमेशा गश्ती और पेट्रोलिंग की जाती है, लेकिन उस पर नज़र किसी किसी मतलब पेट्रोलिंग या गश्ती दल की नहीं गई 48 घंटे। मंगुराहा वन प्रक्षेत्र के मानपुर जंगल हमारा है, वहाँ पे कल दोपहर बाद मृत बाघ का बॉडी रिकवर हुआ है। वह एक बाघिन है, वो मादा बाघ है वो, और जो बॉडी का जो कंडीशन है वो देखने से लग रहा है कि इसकी मृत्यु लगभग 48 घंटे पूर्व हुई थी। उस पर मैगट कीड़े भी आ गए हैं, कीड़े तो स्पष्ट है और वो बाघिन है वो। अभी उसके सारे बॉडी पार्ट्स इंटैक्ट हैं, इसलिए अभी किसी भी तरह का घटना, लेकिन हम लोग उसके पूरी घटना का और घटना जो आसपास के क्षेत्र है उसका सघन जाँच उसकी हो रही है, आज भी जाँच उसकी चल रही है और उसके मरने का कारणों का पता लगाएंगे। उसका पोस्टमार्टम जो SOP है NTCA का, उसको फॉलो करते हुए उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा और उसके बॉडी का उसी तरह से उसको डिस्पोज किया जाएगा। और उसके जो विसरा है वह जांच के लिए फोरेंसिक लैब WII देहरादून और रायबरेली जो है IVR वहाँ भेजा जाएगा उसको। और लेकिन फिर भी हम लोग जो क्षेत्र का है उसके गहन जांच पूरी टीम हमारी लगी हुई है, पूरा रगिया गोदना और मंगुराहा तीनों रेंज के जो स्टाफ वहाँ हैं, वो पूरा हर एक चप्पे का वो लोग उसके छानबीन करेंगे कोई ऐसा अप्रिय कोई ऐसा वस्तु या संदेह ऐसा मिलता है तो उसकी जांच हो जाएगी। और जबकि अभी हमारा जो कैमरा ट्रैप लगा हुआ था उसमें भी उस बाघिन का फोटो आया है, दुखद है बाघिन का मृत्यु, नेचर है उसको देखते हुए सारे हर पहलू की जांच की जाए। सर, वन विभाग के द्वारा हमेशा गश्ती और पेट्रोलिंग की जाती है, लेकिन उस पर नज़र किसी विभाग की जो है किसी मतलब पेट्रोलिंग या गश्ती दल की नहीं गई 48 घंटे बाद फिर ये मामला का खुलासा हुआ, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वन विभाग की गश्ती तो हमेशा की जाती है, जो हमारा ट्रैक है रूट है उस पर लोग करते हैं आसपास के। अब ये संयोग ही है कि उस क्षेत्र में जहाँ पे ये बॉडी मिला वहाँ पे लोग नहीं जा पाए पिछले 2 दिनों में, और जैसे ही ये कुछ वहाँ उस तरह के गंध चाहिए था मिला, और चाहे हो सकता है ये भी हो कि लोग उस दिन वहाँ गए तो उन्हें वो बॉडी मिल गई वहाँ, तो लोग कोशिश तो करते हैं, हमारा प्रयास रहता है कि हर एक पार्ट जंगल का घुमा जाए। उसके लिए जो टाइगर ट्रैकर्स हैं एंटी पोचिंग कैंप पे हैं, पेट्रोलिंग पार्टी हमारी है और हमारे जो फॉरेस्ट गार्ड्स हैं फ्रंट लाइन स्टाफ, ये सभी का सम्मिलित रूप से लोग करते हैं। और ये संजोगी है कि उस अब जो 2 दिन बाद वहाँ गए तो बॉडी मिल गई वहाँ उनको, प्रयास रहता है कि हमेशा उसका ये किया जाए। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहां बेल को दबाएं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।